पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा सूबे का बालाकोट कैंप बीते साल 26 फरवरी को तड़के भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था। इस घटना को एक साल हो गया है। घटना में कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक साल के बाद पाकिस्तान इस घटना का जश्न क्यों मना रहा है। दरअसल भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच पिछले साल हुई मुठभेड़ को पाकिस्तान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस घटना से जुड़े तथ्यों को विकृत कर उसने इसे एक दुष्प्रचार का हथियार बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वो बाकायदा इस दुष्प्रचार की नुमाइश भी करने जा रहा है। एक स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा भारतीय MiG-21 विमान को मार गिराने की घटना को पाकिस्तानी वायुसेना जोर शोर से याद कर रही है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि पाकिस्तानी वायुसेना के मुख्यालय में इस भारतीय विमान के टुकड़ों और 4 मिसाइलों के टुकड़ों की प्रदर्शनी लगाई गयी है, जो विमान से दागी नहीं जा सकी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी मिसाइलों के टुकड़ों का होना इस बात का प्रमाण है कि भारत का ये दावा गलत है कि उसके लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी विमान को मार गिराया था। पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों ने ये भी कहा है कि 27 फरवरी 2019 का दिन उनकी फोर्स के लिए ऐतिहासिक है। अपनी प्रोपेगेंडा को और हवा देने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना की मीडिया शाखा ने 27 फरवरी 2019 की घटना पर एक गाना भी लॉन्च किया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के द्वारा पुलवामा में भारतीय जवानों पर किए गए हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर 26 फरवरी 2019 को धावा बोला था और कई आतंकियों को ढेर कर जवानों की शहादत का बदला लिया। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में घुसने का दुस्साहस किया, जिससे भारतीय वायुसेना ने विफल कर दिया। भारतीय वायुसेना के विमानों ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और उनकी कोशिश को विफल कर दिया। इस दौरान भारतीय MiG-21 ने पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। भारत ने इस संघर्ष में अपना एक मिग भी खोया, लेकिन इसके पायलट अभिनंदन सुरक्षित वापस आ गए। हालांकि उनका पैराशूट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ चला गया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया, लेकिन भारत के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान ने उन्हें वापस भारत को सौंप दिया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।